राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आज शहर के बीचों बीच स्थित रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोली चली। अज्ञात युवकों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या की कोशिश की। हमले के बाद आरोपी युवक फरार हो गए। वहीं घायल युवक को मेकाहरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर शाहिल खान नाम के युवक पर पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात युवकों ने गोली चला दी। आरोपियों ने घटना को अंजाम देते हुए दो राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। थाना गंज अंतर्गत मेकाहरा के पास एक घटना घटित हुई है। इसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का है, 22 साल, संतोष नगर का रहने वाला, ये अपने भाई से मिलने गया था। उसका भाई NDPS के मामले में बंद है। कुछ दिन पहले ही शेख साहिल, जो कि आहत है, वो भी जेल से जमानत पर छूटा है। आज वो अपने भाई से मिलने गया था, जैसे बाहर निकला, जिसमें 3 लोग का नाम वो बता रहा है। 3 लोग के इसमें नाम आ रहे हैं, एक का शाहरुख, दूसरे का शहनवाज और तीसरा अन्य। ये 3 मिलकर एक देसी कट्टा से उस पर फायरिंग किए हैं, इसे पुरानी लड़ीज़ को लेकर, उनके बीच कुछ पुराना विवाद था, इस पर वार किया है। आहत की हालत अभी स्थिर है, उसे इलाज कराया जा रहा है, इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को बदलाश किया। आरोप 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपी का अभी तक 307 के मामले में भी पहले जेल में रहे हैं, ऐसा इस प्रकार की सूचना आ रही है। शाहरुख और शहनवाज पुराने आदतन अपराधी हैं, इनकी पता तलाश की जा रही है। इनके सभी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जल्द से जल्द को पकड़ लिया।